जिस परमात्मा जी ने जीवन दिया है वही आहार देकर देखभाल भी करता है। सभी शरीरों में वह अपनी दुकान चला रहा है। हे इंसान, अपने अहतत्व एवं ममतव को छोड़कर भगवान जी की भक्ति करो। अभी यह तेरे जीवन का सुबह का समय है। अपने हृदय में नाम सिमरण करो। तेरा सारा जन्म बीत गया है, पर अभी तक तूने परलोक का मार्ग नहीं संवारा। संध्या हो चुकी है, अर्थात बुढ़ापे का प्रवेश हो चुका है और दसों दिशाओं में अज्ञान रूपी अंधेरा हो गया है। रविदास जी कहते हैं, हे नादान एवं दीवाने, अब भी परमात्मा जी को याद क्यों नहीं कर रहा? यह दुनिया जीवों का नाशवान घर है। सूही ऊंचे मंदर साल रसोई, एक घरी पुन रहन न होई। एह तन ऐसा जैसे घास की टाटी, जल गयो घास रल गयो माटी। रहाऊ भाई बंध कुटुंब सहेरा, ओई भी लागे काड सवेरा। घर की नार उरह तन लागी, उह तव भूत भूत कर भागी। कह रविदास सभे जग लुटिया, हम तव एक राम कह छुटिया। जिस व्यक्ति के पास ऊंचे महल एवं सुंदर रसोई घर थे, प्राणों उपरांत उसे एक घड़ी भी इनमें रहने के लिए नहीं मिला। यह शरीर ऐसे है जैसे घास की छपरी होती है, सारा घास जलकर मिट्टी में मिल जाता है। रहाऊ जब व्यक्ति की जीवन लीला समाप्त हो जाती है तो उसके भाई रिश्तेदार परिवार वाले एवं मित्र सभी कहने लग जाते हैं कि इस पार्थिव शरीर को शीघ्र ही घर से निकाल दो। उसकी धर्म पत्नी जो उसके हृदय से लगी रहती थी वह भी भूत भूत कहती हुई भाग गई है। रविदास जी कहते हैं कि विकार रूपी चोरों ने समूचा जगत लूट लिया है, परंतु हम एक राम का नाम सिमरण करके इनसे मुक्त हो गए हैं। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग सूही वाणी शेख फरीद जी की। तप तप लुह लुह हाथ मरोरव, बावल होई सो सह लोरव। ते सह मन महकिया रोस, मुझ अवगण सह ना ही दोस। ते साहिब की मैं सार न जानी, जोवन खोई पाछे पछुतानी। रहाऊ काली कोयल तू कित गुण काली, अपने प्रीतम के हाउ विरह जाली। पीरह विहुण कतह सुख पाए, जा होई कृपाल ता प्रभु मिलाए। बिंधन खूही मुंध अकेली, ना को साथी ना को बेली। कर कृपा प्रभ साध संग मेली, जा फिर देखा ता मेरा अल्लाह बेली। बाट हमारी खरी उड़ीनी, खनी है तीखी बहुत पीणी। उस ऊपर है मार्ग मेरा, शेख फरीदा पंथ संभार सवेरा। विरह की आग में जलती मैं हाथ मरोड़ती हूँ, और बावली हुई प्रभु मिलन की अभिलाषा करती हूँ। हे प्रभु, तूने अपने मन में मेरे साथ गुस्सा किया है, तेरा कोई दोष नहीं है, अपितु मुझ में ही अनेक अवगुण हैं। तू मेरा मालिक है, मगर मैंने तेरा ममतव नहीं जाना। मैं अपना यौवन गवाकर अब पछता रही हूँ। रहाऊ हे काली कोयल, तू किस कारण काली हो गई है? कोयल कहती है कि मुझे मेरे प्रियतम के विरह ने जला दिया है। अपने प्रियतम से वहीन होकर वह कैसे सुख पा सकती है? जब प्रभु कृपालु होता है तो वह जीव स्त्री को स्वयं ही अपने साथ मिला लेता है। मैं जीव स्त्री अकेली ही इस भयानक संसार रूपी
कुएं में गिर गई हूँ। यहाँ मेरा ना कोई साथी है और ना कोई बेली है। प्रभु ने कृपा करके मुझे साधु संगत में मिला लिया है। जब फिर मैंने देखा तो बेली बनकर अल्लाह मेरे साथ खड़ा था। हमारा भक्ति मार्ग बड़ा ही उदास करने वाला अर्थात कठिन है। यह कृपाण की धार से तीक्ष्ण एवं बड़ा नुकीला है। उसके ऊपर मेरा मार्ग है। हे शेख फरीद, अपने जीवन की सुबह ही अपना पंथ सवार ले। सूही ललित, बेड़ा बंध ना सकियो बंधन की बेला। भर सरवर जब उछले तब तरण दुहेला। हथ न लाई कुसुम भड़े जल जासी ढोला। रहाऊ एक आपी है पतली सह केरे बोला। तुद्धा थणी न आवई फिर होई न मेला। कहे फरीद सहेलियों सह अलाई सी। हंस चलसी डुमणा अह तन ढेरी थीसी। जब जीवन रूपी बेड़ा बांधने का वक्त था तब तू बेड़ा बांध नहीं सका। अब जब समुद्र उछल कर लहरें मार रहा है तो उसमें से पार होना मुश्किल हो गया है। जब प्रभु सिमरण का वक्त अर्थात जवानी थी तो तूने सिमरण नहीं किया। अब बुढ़ापे में जब विकार समुद्र में भर गए हैं और अपना जोर दिखा रहे हैं तो इन पर काबू पाना मुश्किल हो गया है। हे प्रियवर, कुसुम्ब फूल के रंग जैसी माया रूपी आग को अपना हाथ मत लगाना, तेरा हाथ जल जाएगा। रहाऊ हे जीव स्त्री, माया के मुकाबले मैं तू अपने आप में बहुत निर्बल हो बैठी है। तुझे मालिक की डांट पड़ेगी। थन से निकला दूध जैसे थन में वापिस नहीं जाता वैसे ही तेरा यौवन फिर नहीं आएगा। और दोबारा उस पति प्रभु से तेरा मिलाप नहीं होगा। फरीद जी कहते हैं कि हे सहेलियों, जब मालिक प्रभु बुलाएगा तो यह शरीर मिट्टी का ढेर हो जाएगा और जीवात्मा रूपी हंस उदास होकर यहाँ से चला जाएगा। एक ओंकार सत नाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूने सभंग गुर प्रसाद। ओंकार एक है, उसका नाम सत्य है। वह आदि पुरुष सृष्टि का रचयिता है, सर्वशक्तिमान है। उसे कोई भय नहीं, उसका किसी से कोई बैर नहीं। वह काल अतीत ब्रह्म मूर्ति सदा शाश्वत है। वह जन्म मरण से रहित है। वह स्वयं ही प्रकाशमान हुआ है। उसे गुरु कृपा से पाया जा सकता है। राग विलावल महला पहला चौपदे घर पहला। तू सुल्तान कहाँ हो मियाँ तेरी कवन बढ़ियाई। जो तू देह से कहाँ स्वामी मैं मूर्ख कहन न जाई। तेरे गुण गावा देह बुझाई जैसे सच मह रहु राजाई। रहाऊ जो किछ होया सब किछ तुझ ते तेरी सब असनाई। तेरा अंत न जाना मेरे साहिब मैं अंधुले किया चतुराई। किया हौ कथि कथे कथ देखा मैं अकथ न कथना जाई। जो तुद भावे सोई आखा तिल तेरी बड़े आई। इत्ते कूकर हौ बेगाना भव का इस तन ताई। भगत हीन नानक जय होएगा ता खस में नाउ न जाई। हे परमात्मा, तू समूची सृष्टि का सुल्तान है। अगर मैं तुझे मियाँ कहकर संबोधित कर दूं तो भला कौन सी बड़ी बात है। क्योंकि तेरी महिमा का कोई अंत नहीं। हे स्वामी, जो सूझ तू मुझे देता है
मैं वही कहता हूँ, अन्यथा मुझ मूर्ख से कुछ भी कहा नहीं जाता। मुझे ऐसी सूझ दीजिए ताकि मैं तेरा गुणगान करूं, तथा जैसे तेरी रजा में मैं सत्य में ही लीन रहूं रहाऊं।